पिछले दिनों रीवा में कई ऐसी गतिविधियां हुई जिसको लेकर पुलिस चिंतित थी, जिसके चलते पुलिस ने अपना एक बार फिर से हाका अभियान प्रारंभ किया। सीएसपी रीवा के नेतृत्व में विभिन्न थाने के टीआई ने अपनी टीम के साथ सभी प्रमुख चौराहों पर दबिश दी, शराब पी रहे लोगों को उठाया, थाने ले गए, उचित कार्रवाई की। शराब पीने एवं पिलाने वालों को पुलिस ने पकड़ा। 2 दर्जन से अधिक लोगों को पकड़ते हुए पुलिस की यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, ऐसा कहा सीएसपी रीवा ने। पुलिस इन दिनों एक बार फिर से अपराधियों के बीच में अपना खौफ पैदा करना चाहती है। पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो शहर में अपराधी बेखौफ हो गए थे। चोराटा थाना अंतर्गत करहिया में सुबह सवेरे महिला के साथ चैन स्नैचिंग, सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत सरेरा एक व्यक्ति का किडनैप, कई जगह मारपीट की घटनाओं के बाद पुलिस एक बार फिर रीवा की सड़कों पर कार्रवाई करती नजर आई। यह कार्रवाई नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी के नेतृत्व में की गई। नगर में पुलिस का चला हाका, शहर के चारों ओर निकले विभिन्न थाने के टीआई, जगह जगह खड़े होकर शराब पीने वालों में अचानक भगदड़ मच गई। समान तिराहे में 2 दर्जन से ज्यादा अराजक तत्वों को पकड़कर थाने लाया गया, जहां शराब पीने एवं पिलाने वालों के ऊपर की कार्रवाई की गई। इसी तरह सिरमौर चौराहा, पीटीएस चौराहा, धोबिया टंकी, एसएफ चौराहा, जय स्तंभ, डेकहा, ट्रांसपोर्ट नगर, करहिया मंडी के अलावा विभिन्न मुख्य चिन्हित जगहों पर शिवाली चतुर्वेदी के साथ नगर के सभी थाना प्रभारी हाका दल में शामिल रहे। हम आपको बता दें, नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी नशे के खिलाफ अभियान चलाना चाहती हैं, साथ ही सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वाले अथवा अन्य नशा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। हम आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा था शराब की दुकानों के आसपास कई ठेले खड़े हो जाते थे, यहीं पर अराजक तत्व असामाजिक तत्व पहुंच जाते थे, वहीं पर खड़े होकर वो जाम छलकाते थे। हालांकि पुलिस की कार्रवाई बीती देर रात काफी जोर शोर से की गई थी, जिसके चलते शराबियों के बीच में अवैध रूप से ठेले के पास खड़े होकर शराब पीने और पिलाने वालों के बीच हड़कंप का माहौल बन गया, जब एकाएक उन्होंने पुलिस को अपने बीच में देखा। हालांकि इस दौरान कई लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन कई लोग पुलिस के हत्थे भी चढ़ गए। पुलिस ने उनको समझाइश दी, कुछ के साथ कार्रवाई भी की। माना जा सकता है समझाइश और कार्रवाई का यह दौर पुलिस का लगातार जारी रहेगा। अगर पुलिस इसी तरीके से तेज तर्रार तरीके से कार्रवाई करे तो निश्चित रूप से शहर में पुलिस का एक बार फिर खौफ बन सकता है। जब तक शहर में पुलिस का खौफ नहीं बनेगा, असामाजिक तत्व पिछले दिनों की तरह लगातार मारपीट, अपहरण, झगड़ा, दंगा फसाद करते लगातार नजर आएंगे। पूरे मामले को लेकर हमने सीएसपी रीवा शिवाली चतुर्वेदी से बात की, सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। जी हाँ, आज हमारे सभी थाना स्टाफ ने मिलकर पूरे शहर में शिल्पी प्लाजा से होते हुए जय स्तंभ चौराहा, करहिया मंडी से होते हुए पूरा ये हमारा अभियान चला हुआ है, और इसमें हमने मेन जो शराब बेचते हैं ठेलों पर, इन पर कार्रवाइयाँ भी की हैं। साथ ही जो बिना नंबर की गाड़ी चलाते हैं, संदिग्ध लोग हैं, उनसे पूछताछ की है, और कुछ ऐसे संदेही भी मिले हैं जो मोबाइल भी चोरी किए थे, तो उनको भी पकड़ा गया है। ये हमने अभी करहिया मंडी, समान तिराहा, सिरमौर चौराहा, शिल्पी प्लाजा, साई मंदिर के पास, कला मंदिर रोड, प्रकाश चौक, काफी स्थानों पर चलाया हुआ है। जी हाँ, आज कार्रवाइयाँ इसमें की हैं हमने, और इसमें सभी थाना स्टाफ उपस्थित थे, जिसमें काफ़ी मात्रा में हमने लोगों को पकड़ा हुआ है जो शराब पिला रहे थे अपने ठेलों पर, और उन पर हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इनको थाना लाया गया है और समान थाने में सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं।